इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के सीएम निवास में और यहां पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। यहां पर आम लोग जो हैं मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बता रहे हैं। ये तस्वीरें सीएम हाउस की हैं जहां पर आप देखेंगे किस तरह से लोग अपनी मांगे और अपनी शिकायतें जो हैं वो मुख्यमंत्री के समक्ष पेश कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह की तकलीफ है और आप देखेंगे कि इस तरह की तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है, कैसे अपनों के बीच में, लोगों के बीच में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। लोग अलग अलग जगहों से जो हैं वो लोग यहां पर आए हैं, आपको तस्वीरें दिखाएं कि हर कोई अपनी मांग को लेकर यहां पर पहुंचा है। अलग अलग इलाके से लोग आए हैं। ऐसे है सर, जैसे हमारे नायब सैनी जब के मुख्यमंत्री बने हैं उस दिन से हरियाणा में मतलब इतनी बड़ी लहर है कि ऐसे एक तेजस्वी किसान मजदूर को मुख्यमंत्री बना के जो किसानों की हर समस्या को जानते हैं, हर पर जानते हैं, तो ऐसा मुख्यमंत्री ही हरियाणा को बहुत जरूरत थी। इसलिए सारे विकास कार्य, जनता को प्यार से मिलना, सीएम कोठी से बाहर कोई बंदा नहीं खड़ा उसको बुला लेके मिलते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा को मिलेगा। आप क्या कहेंगे, देखेंगे यहाँ पर आप क्या कहेंगे किस तरह से जैसे मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, आप भी कोई काम यहाँ पर लेकर आए होंगे, क्या इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है? मैंने पहले मुख्यमंत्री देखा है जो इतने अच्छे तरीके से मिल रहा है। यानी मुख्यमंत्री के तो उड्डा के तो पास भी नहीं खड़ा सकता कोई, उसके गनमैनी हल कर देते हैं। पर ये मुख्यमंत्री बहुत अच्छे तरीके से इतना टाइम दे रहा है एक एक को। बाकी आस है कि सबके काम करे, विकास कार्य करें। मैं अपने भाई के लिए आया हूँ, उसकी नौकरी के लिए मेरिट लिस्ट में उसका नंबर पड़ रहा है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री क्या करते हैं। तरह से लोग जो हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और तस्वीर एक अलग सी तस्वीर है, लोगों से अपनों की तरह मिल रहे हैं जैसे उनके परिवार के सदस्य हों, तो इस तरह की तस्वीर जो है सीएम हाउस में देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग हरियाणा के अलग अलग जिलों से लोग जो हैं वो अपनी शिकायतें, अपनी मांगे जो हैं वो लेकर पहुंचे हैं और लंबी कतारें जो हैं यहां पर देखने को मिल रही हैं अलग अलग जिलों से। और देखें किस तरह से आप कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या आपकी इस तरह से एंट्री होती थी पहले सीएम निवास? नहीं होती थी सर, नहीं होती थी, कभी नहीं हुई सर। बहुत अच्छी फैसिलिटी है और बहुत बढ़िया काम कर लग रहे हैं। खासकर यहाँ खाने पीने का, बैठने का, चाय पानी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और हम आशा करते हैं कि हमारे सीएम साहब हमारा जरूर जो तकलीफ है वो जरूर दूर करेंगे। तो बिल्कुल आप देखेंगे तस्वीरों में कि अलग अलग जगहों से जो हैं यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। पहली बार ऐसा मौका देखने को मिला है। आज मेरी 57 साल की उम्र होगी, इस जगह पर आने के लिए कभी भी मौका नहीं मिला और 87 से लेकर आज तक हम बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पहली बार इस प्रकार से मुख्यमंत्री के पास में भीड़ में आने का हमारा मौका मिला है। ऐसे अच्छे मुख्यमंत्री जो सबको आने के लिए दर खुला है, अपने सीएम हाउस के अंदर एक आम कॉमन आदमी के दिमाग में आई है, चाहे लेबर क्लास का आदमी है वह हम सीएम साहब के साथ में मिल सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ। आप देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरह से मुख्यमंत्री जो हैं लोगों से मिल रहे हैं और लोगों के बीच में यहां पर मौजूद हैं और समस्याएं सुन रहे हैं और अलग अलग बातें जो हैं मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों की तरफ से रखी जा रही हैं। जो उनके काम हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो लोगों से मिल रहे हैं। अलग अलग इलाकों से लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं, तो इस तरह की तस्वीर जो है वो अलग तस्वीर है अपने आप में। और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि इसी तरह से वो लगातार लोगों से मुलाकात करते रहेंगे, लोगों की समस्याएं इसी तरह से वो सुनते रहेंगे। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट हरजिंदर के साथ नकुल जसूजा, MH1 न्यूज़।